कॉपी कर रहा है हनी, अगर मस्त किया है। वेरी गुड, इट्स नॉट फनी, शी हैज डन अ ग्रेट जॉब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बालों की हालत तो खराब हो गई है, तो थोड़ा सा मैं ऐसे हल्का सा स्ट्रेटनर यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है। वैसे मुझे मेरा शाम को स्विमिंग क्लास फिर से है, तो फिर से यही जो का तो हो जाएगा, पर स्टिल कहीं जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है हल्का सा बस चलाती हूँ, पूरा मैं स्ट्रेट नहीं करूंगी, हल्का सा एटलीस्ट मतलब ढंग का कुछ दिखे, तो वही इसलिए हल्का सा बस। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर वाला बाल जो मैं बांध लेती हूँ, पहले नीचे का दो ऐसे साइड करके पहले थोड़ा सा इसको स्ट्रेट करूँ। आज मैं पूरा अच्छे से नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आने के बाद फिर शैम्पू भी करना है एंड फिर से वही हो जाएगा, तो बस हल्का सा मैनेजेबल हो जाए इसीलिए कर रही हूँ। बस वही ऊपर ऊपर का मतलब जो ये जो ग्रोथ वाला है ना ऊपर ऊपर का, यही मैंने थोड़ा सा बस स्ट्रेट किया ताकि थोड़ा सा मैनेजेबल लगे, क्योंकि नीचे का इतना कुछ नहीं है। नीचे का ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है, मतलब अगर फ्रिजी हो तो नीचे का ऐसे अच्छा लगता है, अगर पूरा स्ट्रेट करना है तो पूरा ही करना है, बट जैसे कि मैंने बताया कोई फ़ायदा नहीं अभी पूरा स्ट्रेट करके, तो बस इतना ही हो गया मेरा डन। अभी हम लोग निकलते हैं एंड फिर मैं मिलती हूँ आपसे। सो गाइज, अभी जो काम था वो कर लिया, अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए एंड ये रहे जीत। सो गाइज नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया है एंड जैसे कि आप लोगों को पता है हम बड़ी गजब के भूख लगी, हम लोग थोड़े से मुझे अभी पहले कुछ खिलाओ उसके बाद बातें करना, हम लोग थोड़ा सा फूडी है एंड बट जीत का ये है जो रेस्टोरेंट उनको पसंद आया ना बार 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 जब तक मन नहीं भर जाता वहीं पे जाते रहते जाते रहते हैं। कभी मतलब उनको ट्राई करने में डर लगता है, एक ट्राई नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कहाँ पे। और हम दोनों को हम सभी को ये बिरयानी बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है एंड मेरा एक वो है कि दुनिया का सबसे नायाब बिरयानी बनाओ और नायाब बिरयानी खाओ और मौका मिले बनाओ, नहीं चखू मतलब कहाँ पे मिलता है सर। तो आज हम लोग एक रेस्टोरेंट ट्राई करने जा रहे हैं, इसका बस चले ना, इसका बस चले, सीरियसली बता रहा हूँ। तो ये मंडे ट्यूजडे को वेज बिरयानी खाए, वेडनेसडे को फिर नॉन वेज बिरयानी खाए, फिर थर्सडे को फिर वेज खाए, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे फिर नॉन वेज बिरयानी, मैं खाए बिरयानी ही हूँ। बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, हनी बनी को भी पसंद है, आपको पसंद नहीं? इनको ज्यादा कबाब वगैरह पसंद है, इनको ज्यादा बिरयानी किसको नहीं जो सच है आपको कबाब ज्यादा पसंद है ना, स्टार्टर्स वगैरह में कबाब वगैरह, कबाब टिक्के वगैरह तो बहुत ज्यादा पसंद है, इतनी बातें मत कर कबाब टिक्के की फिर यार। तो अभी हम लोग जा रहे हैं करामा में एक रेस्टोरेंट में, देखते हैं खाना वाना खाते हैं, संग्राम भी आएगा, गौरी भाभी लोग भी आ रहे हैं, तो चलिए चलते हैं हम, कैसा क्या है खाना। मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ पे भी खाना खाओ अगर खाना अच्छा हो जो भी हो जो भी है उसका रिव्यू शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। अरे फोन भैया, नो फोन एंड बहुत लोग हमारे उस बोलने पे जाते भी है, ट्राई भी करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कैसा क्या है ना। चलो चलते हैं, चलते, भूख लगी है बहुत। When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sent something I've never seen. So, आज जीत लेके आए हैं करामा डेक्कन बिरयानी। करामा में बिरयानी बोल बोल के बोला कि चलो बिरयानी खाते हैं। Let's go here. देखते हैं कबाब भी मिले और बोलती रहती है और अच्छा भी सुना है इसके बारे में, तो चलिए ट्राई करते हैं। करामा में है ये डेक्कन बिरयानी, कुल्फी उल्फी ज़ाफ़रान बहुत सारी चीज़ें टंगी हुई है, मलाई कुल्फी है, आपको तो पसंद है। लेट्स गो, चलिए संग्राम का वेट नहीं करेंगे। मियां इसने मलाई कुल्फी देखी, इसकी शक्ल देख, कुल्फी वन कुल्फी विल हैव अनदर कुल्फी, संग्राम को एक बार कॉल करो। Before, when you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple pasta, girl on pizza, it's a fruit and you know that. Pineapple pasta, girl on pizza, they just don't belong. यार जब मैंने दुबई आए थे फर्स्ट हम लोग इसके पीछे यहाँ पे रहते थे एंड मुझे खाने पीने में प्रॉब्लम होती थी, तब
सबसे पहले जब यहाँ आए थे वहाँ पे इस टाइम पे तो अलग रेस्टोरेंट होता था, लेकिन यहीं पे मिलता था हमें वो दिल्ली वाला कबाब और वो जो चॉप मटन भर्रा टाइप का। पहला नॉनवेज रेस्टोरेंट हमने जो ट्राई किया था दुबई में वो मतलब यहीं पे था, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 2014 साला, कहाँ 9-10 साल बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। एंड हनी बनी रेडी हो गए, डू यू नॉट वेट फॉर मामू? मामू मामू इज ऑल्सो कमिंग। सो गाइस संग्राम भी आ गए इधर, अभी सो के उठा है संग्राम, अभी जस्ट ब्रश करके आया हूं। महाकालेश्वर टेंपल, अरे ये क्या लगाते हैं मून का आगे सैटेलाइट लैंडिंग, हिडन नहीं लगा चंद्र लगा, सॉफ्ट लगा, सॉफ्ट लैंडिंग दिल मान लो सॉफ्ट लैंडिंग कुछ बोल। यू नीड टू चेक व्हाट इज देयर ऑन द मून, if you want to go to Gunungam to moon one day, you need to check, you need to build a hotel, how will you stay, where will you sleep, you stay in some other stand. Adventure is vertical, it's about 800 the entrance, the thrusters that are used, which is not large, that's going to be most crucial. Go for the auto landing system, 11 minutes, 15 minutes of dinner, 20 minutes, 11 minutes for auto landing system on hoga, fir system performance. मटन चॉप्स, मटन शीर कबाब, मटन नवाबी बोटी, मटन तिक्का बोटी, चिकन रेशमी कबाब, चिकन मलाई बोटी, चिकन तिक्का बोटी। ओके ये है पूरा नॉन वेज प्लेटर, वेरी नाइस। पनीर वो वेज मंचूरियन, वेज मंचूरियन, चिली पनीर, मटन हलीम, मटन हलीम, ओके ये आपका स्पेशल है, ये इनका स्पेशल है, डेकन स्पेशल, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, वेरी स्पेशल डेकन स्पेशल मटन हलीम। चिली पनीर मस्ट ट्राई, बहुत अच्छा है ना, जैसे स्पाइसी हमें पसंद है, बहुत टेस्टी है चिली पनीर। मैंने तो बस अभी यही खाया है, बाकी मंचूरियन वगैरह ट्राई कर, हाँ ये पनीर खाते नहीं बट उनको बस पसंद आया, बहुत पसंद आया, सॉफ्ट भी है, बहुत अच्छा है ना, मंचूरियन भी बढ़िया। ये वाला है नवाबी बोटी, नवाबी बोटी, ये और ये है मटन बोटी और ये मटन नवाबी बोटी, और ये बहुत अच्छा है मटन टिक्का बोटी और ये नवाबी बोटी, दोनों ही बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट है, बहुत मस्त तरीके से, हाँ पता भी निकला मटन मतलब बहुत सॉफ्ट है, चिकन टिक्का की तरह बनाया बहुत अच्छा। संग्राम जो खा रहा है कैसा है? लैम्ब चॉप अच्छा है, भाभी खाली चिकन खा रहे चिकन बोल रहे हैं, चिकन कबाब मतलब टिक्का भी बहुत अच्छे हैं, बहुत टेस्टी है, सबसे अमेजिंग चीज़ मेरे को ये लगती है लैम्ब चॉप, मटन बोटी का, और तो मुझे सीरियसली ये वाला बिल्कुल वैसा वाला फील आ रहा है जैसे यहाँ पे भर्रा कबाब होता है ना दिल्ली में, पूरा मसाले वाला चटपटा स्पाइसी, और ये मटन एक्चुअली इसको ये बोल रहे लैम चॉप बट ये जो राजेंद्र पे मिलता है ना अपने दिल्ली साइड में इसको मटन भर्रा बोलते हैं। हां सो स्टार्टर्स कैसा था संग्राम? हां जी स्टार्टर्स की शक्ल देख के समझ में आ रहा स्टार्टर्स कैसा था, बहुत मस्त, बहुत अच्छा था, खाली फूल रह गया मटन बिरयानी। ये दो लोगों का है ना कॉम्बो, ये इनका है मतलब स्पेशलिटी इनकी, पर्सन फॉर टू कॉम्बो है ये, बिरयानी उसके साथ में हलीम, उसके साथ में कोई भी आप स्टार्टर जो है आप ले सकते हो, 65 या शामी कबाब, अच्छा 65 या शामी कबाब आप ले सकते हो स्टार्टर में, एंड उसके साथ में हलीम एंड ये बिरयानी, ये दो लोगों का कॉम्बो है यहाँ का, बहुत मतलब स्पेशलिटी है यहाँ की।
मैं कह रही हूँ उसकी बिरयानी एक्चुअली बहुत अच्छी है। मैं तो मटन का पीस नहीं खा रही हूँ, सिर्फ चावल खा रही हूँ, तो भी एक एक चावल में बहुत टेस्ट आ रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चावल है। मेरे को भी याद है दीप्ति यहाँ से मंगाया करता था यार। हम लोग बोलते थे ना कि अच्छी बिरयानी, अच्छी बिरयानी, बहुत अच्छी बिरयानी है भैया, बिरयानी बहुत अच्छी है। खिले खिले और सारे चावल में फ्लेवर है, वही है, बहुत अच्छा। संग्राम कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, बिजी हूँ। जब उसको खाना अच्छा लगता है तो वो कुछ नहीं बोलता है, खाने के बाद बोले। क्योंकि हम लोग इतने यूनियन कॉप से क्योंकि कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे मटन पे, बोनलेस मटन में। हलीम की सबसे अच्छी बात ये आ रही है कि इसमें मटन की थोड़ी सी भी स्मेल नहीं आ रही है, मटन हलीम होते हुए, तो उससे पता चल रहा है आपकी क्वालिटी जबरदस्त है। नो थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो गाइस इतने टाइम से हम लोग इतने टाइम से हम लोग फूड रिव्यू वगैरह करते हैं, मतलब हम लोग खाना हमें पसंद है तो इसीलिए हम लोग बताते हैं, बट सच में गाइस एक बार जरूर हमारे कहने पे डेक्कन बिरयानी जरूर ट्राई करना। सारी चीजें बहुत अमेजिंग थी, ठीक है, लेकिन दो चीजें जो मैं नहीं खाता हूँ वो सटनली अमेजिंग थी, एक हलीम और दूसरा पनीर चिल्ली टिक्का, क्या चिल्ली पनीर, वो तो है। आप एक बार ज़रूर बिरयानी ट्राई करना, बहुत ही लजीज बिरयानी, बहुत बिरयानी कबाब वगैरह ज़रूर ट्राई करना एक बार हमारे कहने पे आके। एक बार करामा या डेक्कन बिरयानी है करामा में, आप गूगल कर लोगे आपको मिल जाएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करना है ना। तो बढ़िया, अब तो ये बिरयानी का लगता है सीधे सीधे यहाँ से कॉल पे मंगाया जाएगा, घर के पास में ही है ना, संग्राम तो यहीं पर रहता है, उसको बोल दूंगी लेते हुए है ना। तो चलिए गाइस हम लोग निकलते हैं, मुझे स्विमिंग क्लास भी जाना है, फिर मंदिर भी आने के बाद, फिर हमें मंदिर भी थोड़ा जाना है, बहुत सारे काम है, हो गए पेट पूजा, चलिए अब काम कर, काम दूजा। चलिए संग्राम सो के उठा था और गबागब कबाब का अच्छा लंच हो गया, ब्रंच है ये, ब्रंच नहीं है, डिनर और लंच का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ब्रंच वो ब्रेकफास्ट और लंच का ब्रंच होता है। चलो बहुत आप लोग आना, हम लोग तो आएंगे, हम लोग तो आ ही नहीं पाए ना, हाँ आप लोग भी और हम लोग भी, मतलब राहुल भैया, तन्मय, देविका, इन सबको, भाई भाभी को लेके आएंगे, बहुत अच्छी बिरयानी और खाना बहुत अच्छा था। वेरी गुड टू गो, मामा विल गो टू स्विमिंग नाउ, मामा विल फर्स्ट ड्रिंक द चाय, इतना ठूसने के बाद पेट हो जाता है टाइट, एंड बेबी एंड डैडा विल हैव लिटिल आइसक्रीम, बट मैं अभी चाय पीऊंगी, मुझे तो स्विमिंग के बाद भी चाय चाहिए होगा, फिर दो चाय हो जाएगा, क्या हो गया भाई, चाय है कोई साला, कोई दारू थोड़ी पी है कि भाई अभी चार पैक लगाए थे फिर चार पैक लगा लिए चाय आदमी यहाँ पे लोग कटिंग चाय ऑफिस, ये क्योंकि इसको कॉर्पोरेट छोड़े हुए टाइम हो गया ना, वरना मैं चाय नहीं पीते थे ना जब मैं जॉब करती थी, मैं चाय नहीं पीती थी। तो आप ऑफिस में जाओगे ना भाई, कटिंग चाय तो ऐसे हर आधे घंटे में आके, अरे चल यार ये मैनेजर की थोड़ी सी कटिंग चाय तो इस बार मैंने देखा इंडिया में, क्योंकि मैं जब मैंने इंडिया, मतलब इंडिया हम लोग छोड़े तब उस टाइम में चाय ही नहीं पीती थी, चाय पीना मैंने दुबई में स्टार्ट किया, इंडिया में मैंने देखा कटिंग चाय भाई इतना सा, दो सिप में खलस। चाय बेसिकली क्या होता है इंडिया में, चाय इज द स्टेशन जहाँ पे गपशप, ठीक है, किसी की क्या बनना है, मसाला टॉक्स, अच्छा बॉस ने ये किया, बताता हूँ भाई अगर मैं तेरी जगह होता ना तो मैं पेल देता, और अगले दिन उसी को पेल दिया होता फिर वो बेचारा मुंह लटकाया फिर वो आता चाय पीने अपने, तो वो अगला पूछता भाई तू तेरे साथ में आज हुआ तूने पेला, तो कहानी तो यही होती रहती है। चलो इनको ज्यादा पता है ना क्योंकि ये दिन में 50 बार ऑफिस में यही करते हैं भाई, मेरे को चाय का इसलिए मेरे को कोई शौक, आपने देखा होगा मैं चाय पीने जाता ही नहीं, ना चाय पसंद है इस चक्कर में, चाय चाय ब्रेक लेते हो कि नहीं, चाय पीतना अलग बात है, हम चाय कोई ब्रेक नहीं लेते, चाय ब्रेक नहीं लेते, नहीं चाय ब्रेक के लिए तो लोग जाते हैं ना, मुझे चाय ना पसंद है ना चाय पीने वाले पसंद, आप लोगों के साथ जाते हो, चाय पीने वाले पसंद नहीं, मतलब नहीं चाय हमारे ग्रुप में सभी चाय पीते हैं, अरे चाय पीने वाले का मतलब है जो नीचे जाके चाय पीना, वो कटिंग चाय, मैं हाँ जैसे हम लोग कभी गए चाय शाम के एक चाय पीने के लिए, मैं और राहुल उतरते थे तो एक चाय पीते थे तो वो आते थे, एक होता ना कि हर आधे पौने घंटे में चल यार चल एक चाय ब्रेक पे, नहीं नहीं वो सही भी नहीं है आप लोग ही बताना कितने लोग आप शिकार हुए हो
चाय ब्रेक की, और कितने लोग शिकारी भी हो ये बताना, कितने लोगों ने कितने कितने शिकार किए चाय पे जाके, अपने बॉसेस का और सबऑर्डिनेट्स का। बंद हो रखा है, बोला थोड़ा खोल दो। क्या, किससे खोल ले? मेरे बाल भी अजीब से हो गए, मैं अभी पुल से आ गया। मैं कह रहा हूँ कि खपची होता है ना शिवा, कभी ऐसे हमारा वॉश बेसिन जब ब्लॉक हो जाता है तो खपची मारता है ना उसे, वो ड्रेन वाला ला के मेरे कान पे लगा के वो खप खप करोगे। तो वरना एक सन रोक, और मुझे बोला कि मैं 2 मिनट में खोल दूंगा, कहा है खोल नहीं पा रहे, बोले खपची लगाएंगे ड्रेन वाला। ये कार का वैक्यूम क्लीनर हैंडी वाला, उससे मेरा कान खोलेंगे ये। हाँ बहुत बढ़िया, प्रेशर चेक करो, प्रेशर कितना होना चाहिए। एक ही प्रेशर है ना इसका? नहीं नहीं, दो है ना उसका। कैसे दो? क्या कर रहे हो? क्या हुआ? इयररिंग खींच ले रहा है वो। नहीं कुछ नहीं खींच रहा है, मैं इयररिंग का हर साइड में कर रहा हूँ। मेरी गुड़िया डेली मुझे रात को मसाज करती है, डेली रात को सुबह। वैसे वो मतलब बिल्ली ऐसे नीडिंग करते हैं जब वो खुश होते हैं या सोने जाते हैं, तब ऐसे नीडिंग करते हैं, बट उसका हाथ सच में ऐसे लगता है कि कोई मसाज कर रहा है, अच्छा लगता है। कभी कभी आके पैरों में करती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, और डेली करती है रात को भी सुबह भी डेली मेरी गुड़िया। बेबी अभी बेटी का फर्ज निभाते हुए पापा को भी थोड़ा मसाज। और ये मतलब डेली हो गया मसाज, तो चली गई अपनी जगह पे, पूरी रात यहीं पे सोती है, बीच में सोएगी या पैर के पास जाके सोएगी। उसको आएगा वो अपनी पूंछ मेरे ऊपर रखेगी। हाँ सिम्बा लेकिन आता है थोड़े टाइम सोता है फिर अपना चला जाता है, वो हॉल में पता नहीं उसको ठंड लगती है क्या बेबो, लेकिन रात भर ऐसे सोएगी। एंड ये हो गया है नेक्स्ट डे, एंड आज हमारा हेयर ऑयलिंग डे है। हफ्ते में एक दिन हम पूरी फैमिली जो है वो हेयर ऑयलिंग करते हैं। तो पहले मैं हनी बनी का कर दूंगी, तो नॉर्मली मैं घर में बना हुआ अनियन ऑयल यूज़ करती हूँ, या ममाद का रेसबेरी या अनियन ऑयल जो भी है वो यूज़ कर लेती हूँ। तो हल्का सा गर्म करके बच्चों के सर पर जो है वो मालिश कर दिया है, एंड अभी 2-3 घंटे ऐसे रहने दूंगी, उसके बाद उनका हेयर वॉश मैं करूँगी। तो तब तक यहाँ पर वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सेरेल्स एंड मिल्क, एंड 2-3 घंटे तक ये तेल जो है वो बालों में रहेगा तो अच्छा है। तो मैं भी यहाँ पर हेयर ऑयलिंग कर लूँगी, तो नॉर्मली हेयर ऑयलिंग से पहले ऑयल जो थोड़ा सा गर्म करते हैं ना उसमें मैं थोड़ा सा कपूर ऐड कर रही हूँ। कपूर जैसे बोलते हैं कि जो बालों की जो फ्रिजीनेस है वो थोड़ा सा कम होता है, एंड स्कैल्प के लिए भी अच्छा होता है। तो पता नहीं, तो मैंने आज गर्म करते टाइम थोड़ा सा कपूर डाल के उसको गर्म किया था, एंड अभी मैंने भी लगा लिया है, एंड जीत भी लगा लेंगे। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।